हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि ये हमारा 24th फाउंडेशन डे है और देश के एक महान सपूत पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी जो भारत रत्न है उनकी तो ये क्षेत्र उनकी जन्मस्थली है, यहीं से उन्होंने सारा कुछ देश के लिए, समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए जीने के जितने भी संस्कार है वो इसी क्षेत्र से मैं समझता हूँ कि प्राप्त किए और यहाँ से आगे निकलकर वो देश के लिए इतने काबिल और योग्य व्यक्ति बने कि भारत रत्न की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। वर्षों से तो मैं 10 तारीख को दिल्ली में जो कार्यक्रम होता है, पहले उनके पुत्र का निमंत्रण आता था, अभी ईला जी का निमंत्रण आता है, तो मैं बहुत वर्षों के बाद आज पहली बार है कि मैं दिल्ली के कार्यक्रम में नहीं हूँ, लेकिन उससे बड़े मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आज यहाँ इस अवसर पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है इस अपने प्रतिष्ठित संस्थान में। भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जी के लिए तो मुझे कुछ आपसे कहना नहीं, क्योंकि आप सब उनके बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। वो चाहे देश के गृह मंत्री के रूप में हो, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हो, चाहे वो सोशल रिफॉर्मर के रूप में हो, चाहे वो एक जिन्होंने वैल्यूज़ को समर्पित सार्वजनिक जीवन अपना देकर देश को बहुत सारे आने वाले जीवन के अंदर सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों के लिए एक रोल मॉडल के तरह से काम किया हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, और ये भी वास्तव में तो पुराना उत्तर प्रदेश ही है, बड़ा उत्तर प्रदेश का अंग है ये, उनके जो उपलब्धियां हैं वो असाधारण हैं। आज उनके प्रति हमारी सबसे उनके 131वें जन्मदिवस पर सबसे विनम्र यही हमारी उनके प्रति श्रद्धांजलि या भावना हो सकती है कि हम उनके जीवन में जिन मर्यादाओं के लिए वो जिए उनमें से कुछ चीज़ों को अपने जीवन के अंदर भी आत्मसात करने का प्रयास करें और उनके जीवन की गहराई में थोड़ा सा हम भी डूबने की कोशिश करें, उसमें से कुछ अमृत लेकर और अपने जीवन को भी और देश और समाज के लिए सार्थक बनाएं। ये इंस्टीट्यूशन जो है इसको खाली इसका नाम ही हिमालयन इंस्टीट्यूट, एक प्रकार से जीवी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हिमालयन इसके साथ जुड़ा है और इस नाते इसका काम भी बहुत महान हो जाता है और महान के साथ साथ सात्विक भी हो जाता है। हिमालय के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है क्योंकि उसके बारे में तो कहते कहते सुबह से शाम हो सकती है और पता नहीं कितना कुछ कहा गया है, और उसकी जो महानता, उसकी ऊंचाई, उसकी सार्थकता, उसकी पवित्रता, उसकी सात्विकता और उसके अंदर जो कुछ है सारे देश और दुनिया को देने के लिए, और वो सब का वर्णन मैं इस समय नहीं करूँगा, लेकिन नतमस्तक होकर हिमालय को आप सब की ओर से मैं प्रणाम ज़रूर करना चाहूँगा। और अभी आप सब लोग तो उसी के संदर्भ में अपना जीवन को आपने सामने समर्पित किया है, खपा रहे हैं। डॉक्टर रॉय साहब ने बहुत विस्तार से हमारे सामने चर्चा की है, वास्तव में तो उनको समय की मर्यादा के कारण शायद उतना विस्तार से बात करने का मौका नहीं मिले होगा, लेकिन किताब में बहुत और ज़्यादा डिटेल में उस संदर्भ में रिसर्च इत्यादि जो हुई है वो प्रस्तुत की गई है। इसमें भी कोई शक की बात नहीं कि संस्थान जो है इसका एक बड़ा स्टेटस नेशनल
स्टेटस जिसको कहते हैं, जिसको कहने के लिए भी पार्लियामेंट की अनुमति शायद लेनी पड़ती है, वो इस संस्थान को 2015 में मिला है। और ये भी ठीक ही कहा डायरेक्टर साहब ने कि खाली नाम देने से भी कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके साथ साथ संस्थान को कुछ और फैसिलिटीज़, मैन पावर इत्यादि ये सब चीज़ें भी मिलनी चाहिए। मिश्रा साहब ने भी ठीक ही कहा है कि नाम नेशनल होने से खाली नेशनल नहीं होगा, लेकिन नेशनल के हिसाब से नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी पड़ेगी और परसेप्शन में भी नेशनल दिखने जैसा और नेशनल आउटकम्स जैसा हमारे को अपने आप को बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और जिन्होंने भारत सरकार में बहुत समय काम किया, हेम पांडे साहब जो आपके जैसा लगा कि परमानेंट ही अतिथि हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा कि मैं बहुत बार आया तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता। लेकिन मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा था कि जैसे ये हिमालय का जो सारा रिसर्च है, इसके साथ जुड़ी हुई जैव विविधता हो, चाहे यहाँ हिमालय के संरक्षण में या हिमालय के सहयोग से या हिमालय के साथ एक बढ़िया क्वालिटी की सिनर्जी मेंटेन करते हुए जो इतने सारे लोग रह रहे हैं भारत के, और यहाँ बताया गया कि आज नेपाल और भूटान से भी यहाँ पर हमारे कई मेहमान आए हैं, तो इस सब के लिए बहुत स्थानों पर बहुत सारा काम हो रहा है। और इसका मुझे कल्पना अब इसलिए हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लगभग 4 साल तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में बहुत सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, अर्थ साइंसेस की लेबोरेटरीज में भी विस्तार से जाने का मौका मिला। DST के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस संदर्भ में काम कर रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारियां बांटी गई हैं, उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां भारत को दी गई हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां उसमें DST निभाता है। अभी वाडिया इंस्टीट्यूट का भी आपने जिक्र किया, वो भी हिमालय के बारे में काम करती है। और आज इसमें कोई शक की बात नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में जो कुछ भारत कर रहा है, या जो भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की एक प्रकार से इच्छा है, या जो संकल्प है जिसको उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसका प्रस्तुतीकरण किया है पिछले कुछ वर्षों में, और उसमें निश्चित रूप से हिमालय का तो बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो कुछ वहाँ पर घटता है उसी के कारण बहुत सारी चीज़ें, और वहाँ जो कुछ हमारे पास है उसको कैसे प्रिजर्व करें वो भी एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। और पिछले समय में जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में जो पेरिस में 2-3 साल पहले मीटिंग हुई, और वहाँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नेतृत्व प्रदान किया, बहुत सारे नए आयाम इस मूवमेंट को दिए गए, और जिनमें खासकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे बड़े आंदोलन का जन्म हुआ, मिशन इनोवेशन जैसे आंदोलन का जन्म हुआ, जिसके अंदर अमेरिका के और फ्रांस के और भारत के तीनों जगह के राष्ट्राध्यक्षों का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने
क्लाइमेट जस्टिस, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स और इस सारे विषय का जो नैतिक पक्ष है, जिसका कुछ कुछ उल्लेख अभी मिश्रा जी ने भी करने की कोशिश की, ये सारी जो स्टडीज़ हैं और ये सारे जो विषय हैं, ये केवल टेक्निकल विषय नहीं हैं, ये भारत के लिए एथिकल विषय है और भारत के लिए ये मॉरल विषय है। ये हम सबकी, हमारे उन बच्चों के लिए नैतिक जिम्मेदारी है जिनका अभी इस संसार में जन्म नहीं हुआ है, जो अपने राइट्स के लिए अभी चिल्लाने के लिए इस संसार में उन्होंने सांस ही नहीं लिया है। और ये भी उन्होंने ठीक कहा कि जो कुछ हमें हमारे पूर्वजों से मिला है, साफ़ सुथरी नदियाँ, साफ़ सुथरी हवा, घने जंगल, उपजाऊ ज़मीन और एक पवित्र हिमालय का भी इकोसिस्टम, और फिर नेचर के साथ और जो वाइल्ड लाइफ के साथ आपस में मिलकर मेल जोल के साथ कैसे हम एक दूसरे का सम्मान करके कैसे आदर्श तरीके से रह सकते हैं, और इस सबको करने के लिए जो जीवन के आदर्श नियम हैं, कायदे कानून हैं, जीवन की शैली है, ये सब आदर्श हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं। लेकिन वो सारा कुछ जो पर्यावरण और वो सारी चीज़ें जो हमें मिली, हम वास्तव में अपने बच्चों को देने की स्थिति में नहीं है। वो बच्चे तो अभी दूर की बात है, जो अभी पैदा ही नहीं हुए, लेकिन अभी जो हमारे बच्चे हैं उनको ही हम देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ये सब कुछ, इतना जो कुछ भी हम स्थिति में है, और ये ठीक कहा कि ये जो एनवायरनमेंट और जो डेवलपमेंट के बीच में जो एक प्रकार का, मिनिस्ट्री में बैठे हुए तो जब हम लोगों के सामने विषय आता है तो कभी कभी हम लोगों को भी लगता है कि इधर की तरफ गड्ढा है, इधर की तरफ खाई है, और दोनों के बीच की जो ये लाइन है बहुत ही हेयर लाइन है। लेकिन इसकी गहराई को अगर समझ लिया जाए और समझा दिया जाए और सब लोग मिलकर अच्छी तरह से, खासकर वैज्ञानिक लोग समझ लें, तो इसके अंदर से भी बहुत, यानी जो इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच का जो एक प्रकार का मतभेद है कि इकोनॉमी भी ज़रूरी है, इकोलॉजी भी ज़रूरी है, और दोनों के बीच में समन्वय भी ज़रूरी है, तो उस नाते जो मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा था कि ये जो 10 तारीख का जो फंक्शन है, इसमें एक तो आप काम करते हैं कि आप एक ये सब एक लेक्चर करते हैं, किसी गेस्ट को बुला के कोई भाषण कर देते हैं, और उसके बाद हम अपने राष्ट्र पुरुष को भी नमन करते हैं। लेकिन इस इंस्टीट्यूशन को मैं ऐसा देखता हूँ कि इसका स्टेटस ऐसा विकसित होना चाहिए कि 10 सितंबर को यहाँ से पूरे देश के लिए एक महान स्टेटमेंट इमर्ज हो, जो कि पूरे एक साल जो सारे देश के अंदर इस विषय के ऊपर काम हो रहा है, और उस काम का एक हर 365 दिन के बाद इवैल्यूएशन के बाद जो, यानी उसका जो निचोड़ है, और उस निचोड़ के अंदर भी जो व्हाट इज़ डूएबल फॉर द people, what is doable for the society, what is doable for the politicians, what is doable for the parliament, etc. और ये संभव है कि सब लोग मिलके, हमने जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का जिम्मा लिया 10 तारीख को नवंबर में 2014 में, और जब एक एक करके लेबॉरटरीज में जाना शुरू किया, तो बहुत जगह पे जाकर यह एहसास होता था कि एक ही जैसे काम बहुत स्थानों पे हो रहे हैं, और कभी कभी एक काम जो बहुत स्थानों पर ऑलरेडी हो रहे हैं, वही काम जो है देखते हैं कि वहाँ पे कहीं पे नए सिरे से वही काम शुरू करने के लिए प्रयास और होड़ लगी होती थी,
और बहुत स्थानों पे तो ऐसा भी लगता था कि एक ही शहर में दो लेबॉर्ट्री हैं, चार लेबॉर्ट्रीज़ हैं, अलग अलग नाम की लेबॉर्ट्रीज़ हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक ही काम हो रहा है, लेकिन उस शहर के अंदर भी एक लेबॉर्ट्री के वैज्ञानिक को मुझे जाके बताने की स्थिति आई कि आपके शहर की एक दूसरी लेबॉर्ट्री में मैंने यही काम होते हुए देखा है। यानी राइट हैंड को पता नहीं था कि लेफ्ट हैंड क्या है। लेकिन हम लोगों ने सारे देश की लेबॉर्ट्रीज में जाके, एक एक वैज्ञानिक की लैब में जाके, इसी प्रकार से सारे वैज्ञानिकों से बात करके और ये कोशिश की, और हमने उनके लिए एक समझाने के लिए टारगेट रखा कि आपका जो परफेक्शन, जो आपकी जो आपस की सिनर्जी है, उसका लेवल ये होना चाहिए कि आप माइक्रोस्कोप में एक आँख लगा के कुछ देख रहे हो और आपको कुछ दिखता है तो दूसरे हाथ से आपको पता हो कि देश में या दुनिया में कहाँ पे आपको कितनी देर के अंदर कितने ईमेल भेज के उसको शेयर करना है। क्योंकि कभी कभी किसी जगह पे देखा कि यहाँ तक हम पहुँच गए और फिर उसी जगह पे नीचे कोई यहाँ तक पहुँचा है और फिर एक आदमी बिल्कुल नीचे से उसको काम को शुरू कर रहा है। और ऐसे कई सब्जेक्ट्स में बता सकता हूँ जिनको मैंने देखा कि इस पर ऐसा होता था। और मुझे लगता है कि ये जो आपका ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज और इसके साथ जो जुड़ा हुआ हिमालय और ये सारे जो विषय है, इसमें भी बहुत सारा काम हो रहा है, असाधारण काम हो रहा है। तो अभी नेशनल मिशंस के का एक बहुत क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग का नेशनल मिशन के महत्वपूर्ण अंग के रूप में आपको ये दूसरी हिमालयन स्टडीज़ और दूसरे काम भी दो तो आपके स्पेसिफिक मिशन है जिसमें आप काम कर रहे हैं। और अभी जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था या आने से पहले तो पता लगा कि 100 से ज़्यादा तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स दे चुके हैं और पता नहीं कितने सारे। और आपने कहा कि अभी दुनिया में हम पहले नंबर पे हैं पब्लिकेशंस इत्यादि में, तो यानी हमारे पास ग्राउंड वर्क वगैरह सब कुछ है। हमारे पास वैज्ञानिक भी हैं, हमारे पास इंस्टीट्यूशंस भी हैं, हमारे पास चैलेंज भी हमारे सामने है कि क्या हमारा चैलेंज है, हमें क्या आउटकम चाहिए वो भी हमें बड़ा स्पष्ट है। तो उस जगह से जहाँ से हमने स्टार्ट किया, हमने उसके बाद शुरुआत के अंदर एक दो दिन अपने CSIR की जितनी लेबॉर्ट्रीज थी उनके जो डायरेक्टर्स थे उनको बुलाया और दो दिन हम लोगों ने दिन और रात चिंतन किया, पहले उसको देहरादून में। और उसके बाद पहले एक ही साल 6 महीने के अंदर एक देहरादून डिक्लेरेशन किया कि सारे लोग मिलके सिनर्जी के साथ कैसे काम करेंगे और उसके क्या क्या पैरामीटर्स होंगे। फिर ऐसे ही हम लोग DST के सारे लोगों को बुलाया और उनके साथ में सारे IIT के डायरेक्टर्स को बुलाया, उनको स्पेशल इन्वाइटीज करके, क्योंकि DST के लोग बहुत सारे देश के इंस्टीट्यूशंस को पैसा देते हैं, कहाँ क्या रिसर्च हो रहा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, होता भी है तो वो ठीक है ऑनलाइन सब सबमिट करते हैं लेकिन उसके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। वो सारे लोग हैदराबाद में आए, बायोटेक्नोलॉजी के लोग हमारी फरीदाबाद के इंस्टीट्यूशन में आए और ऐसे अर्थ साइंसेस के सारे हमने लोगों को बुला के सबकी जो है दो दो दिन ब्रेन स्ट्रॉमिंग्स करा के और सबने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किए और अपने काम को भी उन्होंने स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में डिवाइड किया कि ये फिजिकल सेक्टर है, ये केमिकल सेक्टर है, ये बायोलॉजिकल सेक्टर है, ये स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। और उसके बाद मिलकर जब काम करना शुरू किया और फिर मैंने तो पिछले एक साल में एनवायरनमेंट में आने के बाद, मिश्रा जी जानते हैं कि एनवायरनमेंट के भी सारे लोगों का भी उन चार लोगों के साथ, चार डिपार्टमेंट्स के साथ एक, और उसका नतीजा मुझे बड़े खुशी से ये मुझे महसूस भी होता है कि जब सब लोगों ने परफेक्ट सिनर्जी ऊपर से नीचे तक डेवलप की और सिनर्जी एक आइडियल सिनर्जी जैसी चीज़ डेवलप हो गई तो इतने अच्छे आउटकम्स उसके अंदर से निकलने शुरू हुए कि आज जैसे आप बड़े गर्व से कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ से पब्लिकेशंस तो निकलते हैं नंबर वन, हम हैं सारे वर्ल्ड में साइंस के जो टोटल पब्लिकेशंस हैं उसमें दुनिया में 6ठे स्थान पर हमारा नंबर है। ग्रोथ अगर दुनिया की 4% है तो हमारी 14% है।
अभी CSIR की आपने चर्चा की, लेकिन CSIR का अभी अंतर्राष्ट्रीय स्थान क्या है इस पूरे हॉल में किसी एक व्यक्ति को भी उसकी कल्पना नहीं होगी कि आज CSIR जो है वो दुनिया में 1209 संस्थाएं हैं, 1207 संस्थाएं जो सरकार के पैसे से रिसर्च करती हैं, उस रिसर्च से टेक्नोलॉजी निकालती हैं, उस टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री के थ्रू ट्रांसफ़र करके जनता तक पहुंचाती हैं, जनता के समस्याओं के समाधान के लिए। ऐसी 1200 संस्थाओं में आज भारत के CSIR की नवी पोजीशन है, और पिछले कुछ ही सालों में 5000 से ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी हमारे साइंस डिपार्टमेंट ने निकाल के 800 से ज़्यादा उनको पब्लिक को ट्रांसफ़र किया है। हम तीसरे स्थान पर नैनो टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, वेदर फोरकास्टिंग इसमें हम चौथे स्थान पर दुनिया के अंदर पहुँच गए हैं, 10 पीटा फ्लॉप की हमारी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग हो गई है। ये वही देश है जिसमें सुनामी आई थी 2004 में, आज सुनामी की अर्ली वार्निंग में हम दुनिया में नंबर वन है। सुनामी जब आई थी 2004 में वी वर कॉट अनअवेयर एक तरह से कितने लोगों की, और अभी जो साइक्लोन्स और वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में अभी कोई घटनाएँ होती हैं तो शायद बहुत मिनिमल जिसे कहते हैं डैमेजेस होते हैं, क्योंकि समय से हमें चीज़ें पता लग जाती हैं, वरना 99 में उड़ीसा में या दूसरे स्थानों पर जो पिछले समय में हुए, अभी पिछले समय में हुदहुद जैसे और दूसरे भी हुए हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब सब लोग मिलजुल के अच्छी तरह से काम करते हैं और लक्ष्य को हाथ में रख के काम करते हैं तो बहुत उसके कारण जो है इतना असाधारण अंतर पड़ता है। आज कहीं पर भी हम लोग साइंस में 44 देशों के साथ बड़े बड़े हमारे एग्रीमेंट्स हैं, मिलजुल के काम करने की प्रक्रियाएं हैं उन देशों के साथ। अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस में भी हम लोग बैठ के सामने बात करते हैं, इजराइल में करते हैं, साउथ कोरिया में करते हैं, जापान में करते हैं, किसी भी देश में करते हैं, तो कहीं ये नहीं लगता कि हम इनसे इन्फीरियर हैं। उनके पास अगर हमारे को देने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए इतना होता तो हमारे पास उससे कई गुना ज़्यादा होता है। और जो एक बेसिक जीनोम लेवल की और जीन एडिटिंग लेवल की और मॉलिक्यूलर लेवल की रिसर्च से लेकर और सब प्रकार की ह्यूमन एनिमल और प्लांट जीनोमिक्स से लेकर और हाई एंडेड ग्रेविटेशनल वेव्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स और दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, यानी कुछ भी, और अभी जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं जो सैटेलाइट के माध्यम से हम काम करते हैं, अब तो वो जो सैटेलाइट वाले पहले तो सैटेलाइट्स के लिए काम करते थे, अब तो लगभग सभी चीज़ों में सैटेलाइट्स का इमेजेस का हम उपयोग कर रहे हैं, और आपके हिमालयन स्टडीज़ वगैरह में तो बहुत कुछ है। तो हम सब यानी, और सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि अभी भारत के पास एक असाधारण जज्बे वाला एक प्रधानमंत्री है जो वास्तव में भारत में रेडिकल चेंजेस लाना चाहते हैं लोगों की, और विशेषकर जो जैसा अभी कहा कि जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है वो गरीब लोगों को होने वाली है इस ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से। हिमालय की भी ठीक से रक्षा नहीं हुई तो सबसे पहले प्रभावित होंगे तो गरीब लोग होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का इस प्रकार का जज्बा है कि आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय डाटा बताते हैं 5 करोड़ लोग जो है इस 4 साल के अंदर जो है गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द विजनरी लीडरशिप एंड द प्रोग्राम्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वो प्रोग्राम्स की मैं यह चर्चा नहीं करता, उसके डिटेल में नहीं जाता, लेकिन प्रधानमंत्री जी को जो वैज्ञानिक लोग हैं, क्योंकि यहाँ भी जो लोग बैठे सब वैज्ञानिक हैं, उनकी प्रतिभा के ऊपर उनको असाधारण विश्वास है, बशर्ते वो अपनी प्रतिभा का सही डायरेक्शन के अंदर इस्तेमाल करें। एक बात जिसकी ओर सी के मिश्रा साहब ने भी इशारा किया कि जो हमारी रिसर्च है वो हमारे CV का ग्लैमर खाली बढ़ाने के लिए नहीं होनी चाहिए। और मैं तो पता नहीं कितने सारे अभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भी बोल चुका हूँ कि ये इम्पैक्ट फैक्टर जो है इसकी डेफिनेशन चेंज होनी चाहिए। कितनी बार मेरा रिसर्च पेपर खोल के किसी ने पढ़ा किसी जर्नल में, ये इम्पैक्ट फैक्टर डिसाइड करने का तरीका नहीं होना चाहिए।
इम्पैक्ट फैक्टर को डिसाइड करने के लिए आपकी रिसर्च से वास्तव में कितने लोगों को सही मायने में उन लोगों का जीवन सुधारने में या उन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए या उन लोगों की सफरिंग्स को एलिविएट करने में योगदान मिला जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है, वो इम्पैक्ट फैक्टर की एक्चुअली सही मायने में परिभाषा होनी चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर भी जो कुछ हो रहा है, रुक के हमको ये ज़रूर बार बार सोचना चाहिए कि भाई इससे इज़ इट, चाहे तो जो काम कर रहे हैं उसको डायग्नोस शुरू करने से पहले डायग्नोसिस फील्ड से करके चले आगे कि भाई इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, या होगा कि नहीं होगा, या ये एक सिंबॉलिक रिसर्च पेपर की एक लिस्ट में ऐड होने वाला डॉक्यूमेंट होगा। क्योंकि हमें अपने देश में भी अभी 70 साल के बाद हमारी बहुत सारी समस्याएं अभी भी अनसुलझी हैं। छोटी छोटी चीज़ों से अभी देश जो है, अभी हम मेल न्यूट्रिशन, एनीमिया और इस तरह की बातों को ही हम कई बार, आप जानते हैं कि जब डिस्कस करते हैं 70 साल के बाद कि ये समाधान इन चीज़ों के नहीं हुए हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उनका उल्लेख नहीं करता। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का जो प्रिंसिपल है, पहले हमारे लिए क्या ज़रूरी है वो हमारे को सबसे पहले करना ज़रूरी है। हिमालय के अंदर भी जो 100 तकलीफ़ होंगी, 100 प्रकार की रिसर्च करने की आवश्यकता होगी, लेकिन सबसे पहले हमें क्या रिसर्च करके क्या देश का मार्गदर्शन करना ज़रूरी है, ये दिशा जो है ये तय होनी चाहिए। और इसको हम समझते हैं कि इसको अगर सही ढंग से सही भाषा में कहा जाए तो ये हमारी एक प्रकार से ये साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम समाज की दृष्टि से अपनी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर हम काम करें। पर्यावरण के बारे में, हिमालय के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में मुझे आपसे कुछ कहना नहीं, क्योंकि यहाँ जो भी लोग बैठे हैं, जो यहाँ पैदा हुए हैं, और चाहे वो वैज्ञानिक ना हो, इस संस्थान में ना काम करते हो, तो भी वो नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, हिमालय के बारे में, ये सब के बारे में हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। और जो वैज्ञानिक लोग हैं वो तो पूरा जीवन ही इसमें खपाए हैं, इसलिए मैं आपको उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन पिछले 1.5 साल में इस मंत्रालय में जिम्मेदारी लेने के बाद हमने इस चीज़ का एहसास किया कि ये मंत्रालय वो है जिसमें हम जो कुछ भी थियोरिटिकल कर रहे हैं वो उससे ज़्यादा, क्योंकि हम यहाँ बहुत सारे रूल्स बनाते हैं, बहुत सारे एक्ट बनाए हमने, कोई एनवायरनमेंट का एक्ट बनाया है, कोई फॉरेस्ट का एक्ट बनाया है, कोई वाटर का एक्ट बनाया है, तरह तरह के वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बना रहे हैं, फिर उसके लिए तरह तरह की कमेटियाँ हैं, फिर कोई भी देश में कहीं भी कोई छोटा मोटा काम भी होता है तो उसको परमिशन लेने के लिए लंबे चौड़े प्रोसीजर हैं, सब कुछ है, वो सारी चीज़ें भी स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। तो वो सारा कुछ भी हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन किया। अभी अपने यहाँ पे हम लोगों ने, मैं समझता हूँ कोई चीज़ अगर 100% से ज़्यादा होती है तो उस लेवल की ट्रांसपेरेंसी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की है। दुनिया का शायद अपने आप में सबसे पहला अनोखा परिवेश नाम का सॉफ्टवेयर हम लोगों ने लॉन्च किया, जिसको प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया। और अभी सारे मंत्रालय में सब कुछ ट्रांसपेरेंट ढंग से होता है, हर एक आदमी कहीं पे भी कुछ भी ट्रैक कर सकता है। लेकिन इस बात का एहसास हुआ कि खाली ये सब कुछ करने से शायद परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ बहुत सालों से हो रही हैं चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा अभी सबने शंका व्यक्त की कि हम हमारे बच्चों को वो देने की स्थिति में नहीं आए हैं। हर शहर की बड़ी समस्या एयर पोल्यूशन है, हर नदी की बड़ी समस्या जो है रिवर पोल्यूशन है। जिस गंगा स्नान में मेरे को मेरे दादा ने या मेरे नाना ने या मेरी माँ बाप ने कराया, वो गंगा स्नान में अपने बच्चों को ले जाके कराने की स्थिति में नहीं। और ये हर शहर के लिए, हर प्रांत के लिए, हर नदी के लिए, हर जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ विषय उसके लिए समस्या है। तो अपने यहाँ पे हम लोगों ने पिछले 1.5 साल में काफ़ी इसके ऊपर, जैसे कहते हैं, चिंतन किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, आपस में अधिकारियों के साथ भी बातचीत किया, बहुत सारे समाज के अंदर लोगों से बातचीत किया, और फिर एक नई कल्पना के साथ एक नए मूवमेंट को हम लोगों ने जन्म देने की कोशिश की है, जिसको हम चाहते हैं कि
आपके जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी यहाँ से, आप तो जब यहाँ से उसको लीड करेंगे इतनी बड़ी जगह से, क्योंकि यहाँ भी आसानी से तो, मैं 50 साल से सोच रहा हूँ, लेकिन 50 साल के बाद मुझे ज़िंदगी में पहली बार अल्मोड़ा में आने का मौका मिला है। तो आप तो यहाँ पे हर समय रहते हैं, काम करते हैं, बहुत बड़ी जगह है। तो हम लोगों ने एक ग्रीन गुड डीड्स करके एक मूवमेंट को जन्म देने की कोशिश की है पिछले एक साल में, और चिंतन करके ऐसे अभी तक करीब 700 से ज़्यादा ऐसे अच्छे छोटे पॉजिटिव काम, स्मॉल पॉजिटिव एक्शंस, जो समाज में कोई भी व्यक्ति कभी भी कर सकता है, एक दिन में 10 भी चाहे तो कर सकता है, एक दिन में अपने लाइफ में उसका 25-50 से एनकाउंटर हो तो 50, क्योंकि वो ऐसे पॉजिटिव स्मॉल एक्शंस हैं जिनको करने के लिए ना तो कोई एनर्जी लगती है, ना कोई हार्ड वर्क लगता है, ना कोई उसके लिए पैसा लगता है, और पैसे की बात करें तो शायद उनमें से हर एक को करने से पैसा बचता है। और वो जितने भी सेक्टर ऐसे हैं जो पर्यावरण के साथ, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हैं, वो जंगल से संबंधित हो, नदी से संबंधित हो, वो वाटर के कंजर्वेशन से संबंधित हो, वो एनर्जी की सेविंग से संबंधित हो, वो एक आइडियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसके साथ जुड़ा हुआ हो, तो वो सारे हमने पॉजिटिव एक्शंस को कहा कि ये देश और दुनिया के लिए ये ग्रीन गुड डीड्स हैं, ये वो नेक काम है जो कोई भी करना चाहिए। और उसके लिए भी ये कहा कि अगर एक व्यक्ति भारत में एक दिन में एक भी छोटा सा काम अच्छा करता है तो 1.32 बिलियन एक प्रकार से ग्रीन गुड डीड्स हमारे हो जाते हैं। और फिर तीन चार चीज़ें हम लोगों ने कहा कि इनको करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़े से अपने बिहेवियर में परिवर्तन करना है। जैसे ये खुशी की बात है कि यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल नहीं है, और प्लास्टिक की बोतल की बजाय ये ग्लास में पानी रखा गया है। ये और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता अगर इस ग्लास के अंदर, इस पूरे ग्लास की बजाय मान लीजिए हम ये कहें कि हम आधा ही ग्लास पानी रखेंगे, या जिसको जितना चाहिए उतना ही वो पिएगा, तो ये भी एक स्मॉल ग्रीन गुड डीड है। प्लास्टिक के खिलाफ जो बड़ी जंग चल रही दुनिया में, जो इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का भी थीम था, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो उसको भी हमने अपने तो सब संस्थानों में, मुझे खुशी है कि हमारा ये संस्थान जो है, जो कुछ हम लोग वहाँ से करने की कोशिश कर रहे हैं उसको भूला नहीं है। तो हमने कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपने बिहेवियर में थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करना है, और उसको हम कह रहे हैं कि ये ग्रीन गुड बिहेवियर, अपने बिहेवियर को ग्रीन गुड बिहेवियर में परिवर्तित करो, हर रोज़ एक ग्रीन गुड डीड करो, और लोगों को इस बात का एहसास करा रहे हैं कि ये आपकी देश और समाज के लिए ग्रीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्रीन गुड डीड, ग्रीन गुड बिहेवियर, ग्रीन गुड सोशल, ग्रीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बड़े बड़े संस्थानों को ये कह रहे हैं कि ये अपने संस्थानों में ग्रीन गुड प्रैक्टिसेस डेवलप करो। जैसे हमारा दिल्ली में पर्यावरण भवन जो है, उसमें आपको एक भी शायद ऐसी प्रैक्टिस नहीं अभी मिलेगी, और जो भारत सरकार के बहुत सारे मंत्रालयों में धीरे धीरे कल्चर डेवलप हो रहा है, प्रधानमंत्री जी भी उसमें हम लोगों को समर्थन कर रहे हैं। खुशी की बात यह है कि जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के चीफ हैं मिस्टर एरिक, उन्होंने भी ये ग्रीन गुड डीड्स मूवमेंट की सारे दुनिया में बात करनी शुरू कर दी है। और जब पिछली ब्रिक्स की मीटिंग हुई, तो ब्रिक्स की मीटिंग में जब हम लोगों ने विषय रखा एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स की, तो ब्रिक्स की मीटिंग के अंदर लोगों ने ये कहा कि हम इसको ब्रिक्स में बड़ा मूवमेंट बनाएंगे, अगली रशिया की मीटिंग में इसको चर्चा करेंगे। ब्रिक्स के अंदर भी अभी ये ग्रीन गुड डीड्स का मूवमेंट एक्सेप्ट हो गया है। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि ये विषय इस इंस्टीट्यूशन का खाली हिमालय नहीं है, हिमालय तो एक प्रकार से एनवायरनमेंट का ही, जो जिसे कहते हैं जो टॉप एंड है एनवायरनमेंट के जुड़े विषयों का, वो हिमालय है, जहाँ से हमें एनर्जी भी मिलती है, नॉलेज भी मिलती है, इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है, और सात्विक भाव भी मिलता है। तो इस भाव के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ लेकर चलें कि
अगले साल से ये जो इंस्टीट्यूशन है ये देश में कम से कम ये काम करने वाले इंस्टीट्यूशंस का ऐसा फोकस बने कि सारा देश इंतज़ार करे कि वहाँ से इस बार क्या स्टेटमेंट इशू होने वाली देश के लिए, समाज के लिए, और उसके लिए फिर हमें उसी भावना से काम करना पड़ेगा। और जैसा हमने कहा ये जो ग्रीन गुड डीड्स के बारे में, तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर सुविधा वो चाहते हैं कि भारत के हर नागरिक के टेलीफोन में उसको हर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए 2 टेलीफोन 4 टेलीफोन लगाने वाली फैक्ट्रियां थी, तो आज इतने 4 साल में 100 से ज़्यादा हो गए भारत में सिर्फ सरकार की पॉलिसी के कारण। 356 किलोमीटर केवल ऑप्टिकल फाइबर डली थी 26 मई 2014 को, आज 6.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा सारे देश में पड़ गई है। इस साल के अंत में 100% पंचायतों के अंदर ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन भारत सरकार के सहयोग से सब जगह पहुंच गया होगा, और कोई देश में ऐसी पंचायत नहीं होगी जहां की वहां का बच्चा जो है, नौजवान जो है, फ़ोन के अंदर जो है वो इंटरनेट के माध्यम से सब सुविधा ना प्राप्त कर ले। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं सरकार की सब सुविधाएँ, सरकार की सब स्कीम्स, जितनी एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस शेयरिंग है, सब कुछ फ़ोन के माध्यम से मेरे देश के नागरिकों को मिले। इसलिए हम लोगों ने ये जो ग्रीन गुड डीड्स का जो मूवमेंट है, इसके लिए भी जो देश के एनवायरनमेंट मिनिस्टर, क्योंकि अभी मैं हूँ डॉक्टर हर्षवर्धन, इस नाम से एक ऐप डेवलप करके, उस ऐप में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये जो 700 ग्रीन गुड डीड्स हैं, इनको हर व्यक्ति को इनका एक्सेस उसी के फ़ोन में उपलब्ध करा देना है। तो फ़ोन में अगर कोई भी एप्पल स्टोर में या गूगल प्ले स्टोर में जाके केवल डॉक्टर हर्षवर्धन लिखे, तो आधा मिनट से कम समय में ये ऐप उसके सामने आ जाता है और सबसे ऊपर उसको ग्रीन गुड डीड्स मिलती हैं, जिनको अगर वो एक्सेस करे तो 700 से ज़्यादा ऐसे महत्वपूर्ण काम, छोटे छोटे, और आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको खुद ध्यान आएगा कि ये तो मुझे पता है लेकिन मैं ये अपने जीवन में क्यों नहीं कर रहा हूँ। अगर इसको करने से मेरे बच्चों का भविष्य सुधर सकता है तो मुझे तो इसको करने के लिए अपने इर्द गिर्द चारों तरफ आंदोलन विकसित करना चाहिए। और जहाँ जहाँ हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की, मैंने इसकी चर्चा स्वीडन की लुंड यूनिवर्सिटी में की तो वहाँ के लोग एक्साइटेड होकर उन्होंने करना शुरू कर दिया। इसकी चर्चा नैरोबी में की तो वहाँ के जो ग्रुप्स थे उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। डेनमार्क में चर्चा की, वहाँ लोगों ने चर्चा के माध्यम से, और साउथ अफ्रीका की मिनिस्टर तो मुझे कहने लगी साहब इसका कोई आपका पेटेंट वेटेंट तो नहीं है, इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यानी कि वो इतनी सिंपल सी चीज़ है और लेकिन इतनी ज़्यादा आवश्यक है। तो कहा कि ये सारी रिसर्च एक तरफ, लेकिन जो सोसाइटल मूवमेंट है वो उतना ही महत्वपूर्ण है बल्कि उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सब लोग जो अपनी रिसर्च में, अपनी लेबॉरेटरी में, अपने पॉलिसी मेकिंग में लगे रहते हैं, हमें सोसाइटी के साथ भी बड़ा कनेक्ट करके ये सुनिश्चित करना है कि हम सब सोसाइटी के लोगों को भी प्रधानमंत्री मोदी का जो एक सपना है कि वो 2022 तक एक नया भारत देशवासियों को देना चाहते हैं, और उसके सब आयाम के ऊपर वो सोसाइटी लेवल पर भी काम कर रहे हैं, स्कीम लेवल पर भी काम कर रहे हैं और पॉलिसी लेवल पर भी काम कर रहे हैं, और जो भी आइडिया उनको अच्छा मिलता है उसको वो एक प्रोग्राम में विकसित करते हैं, उसके बाद उस प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं, फिर उस इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग खुद करते हैं, जिसे कहते हैं फुल स्टॉप कॉमा जैसी मेटिकुलस मॉनिटरिंग, और फिर विश्लेषण करके वो खुद बताते हैं कि कितने। अभी एक भाषण उन्होंने दिया था 2014 में कि इस देश की मेरी बहन को कितनी परेशानी होती है कि अंधेरा होने का इंतज़ार करना पड़ता है शौच जाने के लिए। आज 8 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने टॉयलेट देश भर में बनवा के खड़े कर दिए। एक साल बाद ही देश के 100% स्कूलों में बच्चियों के लिए भी टॉयलेट बना दिया था, और 4 लाख से ज़्यादा जो है देश में गांव जो है वो ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं। और ये सारा कुछ इसलिए हुआ क्योंकि सोसाइटी ने मिलकर, सरकार ने स्कीम बनाई लेकिन सब लोग सोसाइटी के अंदर भी साथ में जुड़ गए। तो आज इस पवित्र अवसर पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की पवित्र स्मृति को नमन करते हुए हम सब लोग नई ऊर्जा और नई संकल्प के साथ यहाँ जाएं। वैज्ञानिक लोग भी अपने लिए
एक नया दृष्टिकोण तय करें, और हर वैज्ञानिक अपने जीवन में जो भी कुछ कर रहा है उसके लिए एक नया सपना पैदा करें, ऐसा सपना हो जो शायद सुनने देखने में मुश्किल भी लगता हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप किसी सपने को लेकर अगर जीना प्रारंभ करेंगे तो आपको उसको सपने को साकार करने के अंदर निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ये नेगी साहब जानते हैं, इन्होंने मेरे साथ काम किया हेल्थ मिनिस्ट्री में, जब हम लोगों ने भारत को पोलियो मुक्त करने के लिए सपना देखा था तो कितनी मॉडस्ट चार लोगों ने मिलकर उस पर काम करना शुरू किया था, लेकिन जब करना शुरू किया तो सारे देश और सारे समाज के लोग उस काम में साथ लग गए और हम लोगों को भारत को पोलियो मुक्ति के कगार पर देखने का स्वयं अपने ही जीवन में मौका मिल गया, जो कभी सपने में भी हम लोगों को कभी अनुमान नहीं होता था। इसलिए वैज्ञानिक लोग सब एक वेल डिफाइंड कॉन्क्रीट सपने के साथ जीना प्रारंभ करें, उस सपने को साकार बनाने के लिए अपने जीवन को और सार्थक बनाएं, और इसमें भगवान आपको सफलता दे, कामयाबी दे, और हमारे देश का एनवायरनमेंट और हमारे हिमालय की रक्षा के अंदर हम सारी दुनिया के सामने एक ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।